भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 5 कदम। क्या भारत, जहां तक उसकी अर्थव्यवस्था का संबंध है, एक विनाशकारी स्थिति की ओर बढ़ रहा है? जब अमेरिका चीन के खिलाफ टैरिफ बढ़ाता है तो भारत के बाजार क्यों चरमरा जाते हैं? क्यों पश्चिमी देश भारत द्वारा किए गए वादों पर सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं और उन्हें प्रेमियों की वार्ता की तरह दूर हटा देते हैं? क्या न वापसी की सीमा की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अगर कठोर कदम ना लिया जाए तो भारत अर्जेंटीना की राह पर चला जाएगा? नहीं, यह कोई अतिशोक्ति नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अथक अर्थशास्त्री, जिन्होंने 5 कदम सुझाए हैं जो भारत सरकार को दिशा बदलने के लिए उठाने चाहिए। मोदी सारा श्रेय ले सकते हैं, बशर्ते कि चरण पूर्णत में कार्यान्वित किए जाए, न कि नोटबंदी गाथा के दौरान की गई दबी छुपी आपदा। तो 5 चरण क्या है, यह इनमें से प्रत्येक पर मेरी व्याख्या है। 1. व्यक्तिगत आयकर को समाप्त करना। व्यक्तिगत आयकर से अर्जित अनुमानित राजस्व लाभ 5 लाख करोड़ रुपए आज के एक्सचेंज रेट में $72 बिलियन है। 2018 के बजट के आंकड़ों के अनुसार भारत का राजस्व लगभग 25 लाख करोड़ रुपए $360 बिलियन और व्यय 29 लाख करोड़ रुपए $440 बिलियन था। इसलिए सरकार को अपने राजस्व का लगभग 20% भाग त्यागना पड़ेगा। बदले में क्या मिलेगा? वह वित्त मंत्रालय में कार्यरत लगभग 80,000 अधिकारियों के वेतन की बचत कर सकता है। कम से कम आधे को जाने के लिए कहा जा सकता है। यह उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। आयकर अधिकारी सबसे भ्रष्ट है और ईमानदार लोग आमतौर पर निकाल दिए जाते हैं। 2. न्यूनतम उधार दर प्राइम लेंडिंग रेट को घटाकर 9% करें। यह हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। यह वर्तमान में 9.45% है और इससे बैंकों की कमर नहीं टूटेगी। 3. बैंक की सावधि जमा राशि को 9% तक बढ़ाए। वर्तमान सावधि जमा दरें 6.8% भारतीय स्टेट बैंक से बजाज फिनसर्वे 8.6% में भिन्न होती है। इसे उपरोक्त 1 और 2 के साथ में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उपभोक्ताओं को खर्च करने के बजाय लाभांश को 1 से बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 4. कॉर्पोरेट R&D और कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा व्यय में कर कटौती। भारत कम से कम इस समय मौलिक जमीनी स्तर पर शोध में उत्कृष्टता प्राप्त नहीं करता है। यह छूट अगर 10 साल की अवधि के लिए दी जाती है तो इसमें कई कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रवासी भारतीयों को अपना समय और विशेषज्ञता देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उपरोक्त 1 उन्हें भारत आकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 5. बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नोट छापे। इससे भारत की मात्रात्मक असमानता, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की आपूर्ति में नई मुद्रा की शुरुआत के रूप में सोचे। जब पैसा इंफ्रा के लिए मुद्रित किया जाता है तो यह नई सड़कों, मेट्रो लाइनों, सिंचाई परियोजनाओं, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं आदि के रूप में खुद को दिखाएगा और इससे बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे और बदले में यह बैंकों को बचत से प्रतिपूर्ति के लिए प्रेरित करेगा। अगर एक चीज है जो एक औसत भारतीय करता है, वह है बचत करना। बचत दर को सकल घरेलू उत्पाद के मध्य 30% तक वापस चढ़ने की आवश्यकता है।